देखिए तो हम लोग थोड़ा सामान वहाँ रखते हैं, फिर हम लोग अभी रुक चुके हैं ऑर्डर में। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया रहो, मैं भी बढ़िया रहूँगा और आप लोग के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप लोग के लिए लाते रहूँगा। तो आज है 4 नवंबर, पता है आप लोग का दिवाली है, तो आज हम लोग दिवाली तो यार स्टेशन में मना रहे हैं क्योंकि हम लोग घर से बाहर है, तो यार दिवाली अच्छा मन गया तो आप लोग भी अच्छे से मनाओ अभी। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ, और चैनल को मोटिवेट करो ताकि मैं ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगा। नोटिफिकेशन ऑल कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अच्छे अच्छे लोकेशन आप देख रहे थे अभी अभी ये इस तरह का है, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। चलिए आज काफ़ी कुछ ज़्यादा ही भीड़ है क्योंकि अभी छठ पूजा सामने है ना, जिसके कारण से काफ़ी लोग घर जा रहे हैं। ये देखिए भगदड़ ऐसी है भाई जी हालत। हमारी कोच नंबर D6 हाँ ये हमारी है, आ चुकी है, लेकिन अभी ये बंद है क्योंकि अभी आधा घंटा बचा टाइमिंग है, इसीलिए अभी बंद है। जैसे खुलेगा हम लोग एंट्री करते हैं। बस हम लोग वेट कर रहे हैं अब ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो सीट नंबर देख लेते हैं क्योंकि वहाँ चढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा ही भीड़ है यार, पता नहीं। 7-8 है हम लोग का D6। भाई अपन पहुंच गया एंट्री, ये हमारी एंट्री हो रहा है। फर्स्ट में हम ही लोग का, फर्स्ट हम ही लोग का, ये हम लोग का, ये हम लोग आ चुके हैं सीट में, तो यहाँ बैठे हुए अभी। स्टेशन पहुंच गया थोड़े ही देर में, अभी तो टाइमिंग है, अभी ट्रेन लेट से खुलेगी तो हम लोग थोड़ा सामान वहाँ रखते हैं फिर। थोड़े सी में मॉर्निंग के बज गए 6 बज गए, और मैंने डूट चुकी है तो मैं फ्रेश व्रेश होकर भी थोड़ा सा जस्ट आया, सोच आप लोग थोड़ा बातें कर लेता हूँ यार। रात में ठंडी इतनी लगी ना, मैं बताऊँ नॉर्मल टेम्परेचर 21 है, एसी में भी इतनी ठंडा लग रहा था क्योंकि डायरेक्ट मेरे मुँह मार रहे थे, तबियत भी खराब था ना मेरा, उसी कारण थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अभी है ये प्रयागराज पहुँच गए हम लोग, तो काफ़ी धुंध है इस कारण से वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो चलिए थोड़ा सा फ्रेश होते हैं कि आपसे मिलते हैं। हमारी ट्रेन अभी पंडित दीनदयाल पर पहुंच चुकी है, ये नज़ारा अभी है, तो हमारा कोच यही है अभी, तो सुबह के मॉर्निंग के टाइम हुए हैं, लेट काफ़ी नाश्ता वास्ता करते हैं, टाइमिंग देख लीजिए 8 बजे दिन में, तो यार ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसीलिए ऐसे वह वीडियो दिखा रहे आप लोगों को। चलिए कुछ सामान वाम खरीदते हैं यहाँ से, बस फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। देखिए यहाँ पर सोया पड़ा है यहाँ पर, चले हम बैठते हैं।
तो ये हमारी आ चुकी है गया स्टेशन, और यहाँ कुछ ज़्यादा ही लोग उतर गए हैं, देख रहे होंगे आप। ट्रेन पूरी तरह से खाली हो चुकी है, लेकिन हम लोग दोनों अभी भी बैठे हुए हैं। तो ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है क्योंकि सभी उतर चुके हैं गया स्टेशन में। अभी भी ये है बस कटुआ पहाड़, जंगल भालू जंगली जितने हैं जानवर सब नजर आ रहे हैं। सही पाए जाते थे लेकिन अभी लुप्त हो चुका है, तो इसको देखने के लिए सुदर्शन डेल्टा जाना पड़ेगा। नहीं बोकारो सिटी। और देखिए यहाँ पर अभी गुफा से गुजर रहे हैं हम लोग अभी, और यहाँ मजा ले रहे हैं पूरा, और हम लोग इधर इधर नजारा ले रहे हैं, आप लोग दिक्कत दिखा रहे हैं, क्या मस्त नजारा भाई। ओह हो हो सो रहे हैं, अभी 2 घंटा के अंदर हम लोग पहुँचने वाले हैं कहाँ, बोकारो स्टील सिटी। हम लोग 1 तारीख को घर से निकले थे और आज हमारा ये है छठवां दिन, जा रहे रिटर्न झारखंड। तो ट्रेन का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा ही रहा, लेकिन अभी मैंने जितना भी ट्रेन लगभग सफ़र किया सभी ट्रेन लेट ही चल रही है यार, क्या बता। झारखंड सब प्रकार का भी यही है जिसने किया था गंगा सुधर। और ये हम लोग गुफा में घुस चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा बच चुका होगा, आपको दिखाई दे रहा कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन हम लोग यहाँ खो चुके हैं डेल्टा में। कुछ आ रहा मेरा भाई, तो भाई यहाँ पर कुछ तो आ नहीं रहा होगा, आप निकल चुके हैं गोपाल से हम लोग। फाइनली अब क्वार्टरमा हमारी ट्रेन घुस रही है, हम लोग अभी रुक चुके हैं क्वार्टरमा स्टेशन में। अब यहाँ से बोकारो लगभग 1.5 घंटा लगेगी यहाँ से पहुँचने में, तो काफ़ी लोग यहाँ उतर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का भी नज़ारा है यहाँ पर। तो अभी सभी लोग जितने भी यहाँ उतरने वाले हैं सभी उतर रहे हैं, पूरा खाली हो जाएगा। अब उतरने वाले हैं, अभी लगभग बचा हुआ है, जाना है बचा नहीं है, और ये बाहर का नजारा है, वेट कर रहे हैं हम लोग, सब रेडी हैं। इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बाकी बढ़िया है, तो आप लोग बचते रहो। अगर आप लोग ऐसे अभी सफ़र करते हो तो अभी आप लोग थोड़ा अभी भी ब्लैंकेट वलैंकेट बिछाने कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप लोग ले आना क्योंकि ठंडी लगेगी। तो मेरे अगर ये सामना करना पड़ा तो भी आप लोग बता दे रहा आप लोगों को, क्योंकि अभी बंद है कोविड के कारण, अभी मिल नहीं रही है, बेडशीट वेडशीट भी नहीं मिल रही है, ओढ़ने का भी नहीं मिल रहा, तो देख सकते हैं कंपार्टमेंट हमारा है, तो आप लोग लेते आना अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए सुविधा रहेगा। फाइनली हम लोग अब उतर चुके हैं बोकारो सिटी में, हमारे साथ हम लोग उतर चुके हैं, अब चलते हैं स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो ये ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा, जर्नी ऑलमोस्ट ठीक ही रहा, मतलब 15-20 मिनट का लेट था ट्रेन, बाकी बस सब बढ़िया। ये देख लो हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है, क्या नाम है, अब चलते हैं इसी फ्लाईओवर से हम लोग को पार करना है अभी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 02580 तो बड़े दिनों के बाद हम लोग आप प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुके हैं, ये अपना शहर बोकारो सिटी। नदी बोकारो सिटी हमारे पीछे, और अपन लोग चिल कर रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं अब इनके दोस्त आ रहे हैं, जैसे आते हैं फिर आपसे मिलते हैं जल्दी। बोकारो सिटी बड़ी वेट करने के बाद हमारी कार आ चुकी है, देखो आ रही है सामने से। अच्छा
गया और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए।